नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कोमल किचन में। आज मैं आपको पानी पूरी का तीखा वाला पानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो घर पर मैं कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। तो ये घर पर एकदम साफ़ सुथरा, फ्रेश और एकदम मज़े का बनता है, मतलब घर पर बनाने की एक अलग ही तसल्ली होती है फ्रेंड्स। बस मेरे ये मुँह में तो पानी ही आ रहा है, तो फटाफट शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम शुरू करते हैं तीखा वाला पानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये मैं जार लिया है, इसमें हरा धनिया डालेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा पानी बन के रेडी होने वाला है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा। घर में तो बनाने का अलग ही तसल्ली होती है। ये हम पुदीना डाल देंगे इसमें, पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं चार हरी मिर्च लिया है, आप इसमें ज़्यादा कम भी कर सकते हो, किसी को ज़्यादा तीखा पसंद है किसी को कम। ये मैंने अदरक के दो टुकड़े लिए हैं, इसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे और मिक्सी से पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे, बहुत ही अच्छा चटपटा हमारा पानी बन के रेडी होने वाला। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पीस लिया है, अभी हम इसको बाउल में डाल लेंगे और इसमें और पानी डाल के इसमें और मिक्स कर देंगे। अभी फ्रेंड्स अच्छे से इसको हिला लेंगे, पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें अलग अलग मसाला ऐड करते हैं। ये मैंने काला नमक लिया है, इसका बहुत ही अलग टेस्ट आता है। ये मैंने काली मिर्च ली है, काली मिर्च का पाउडर। ये मैंने थोड़ा नॉर्मली नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। ये मैंने पानी पूरी का मसाला लिया है, पानी का। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता और बहुत ही इजी तरीका है, और घर में बनाने का तो अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि एकदम फ्रेश होता है, मन में पीने से भी झिझक नहीं होता और बहुत ही अच्छा खट्टा अपना अपने हिसाब से अपन बना सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इसको अगर ऐसे पीना, ऐसे यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको छलनी की सहायता से दूसरी बाउल में छान लूँगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने छलनी ले लिया है, इसे छान लेंगे हम, तो इसका दरदरापन सारा निकल जाएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा मुँह में देख के ही पानी आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए हमने अच्छे से इसमें पूरा पानी डाल लिया, अच्छे से छलने से हिला के पूरा अच्छे से निकाल लेंगे। अभी हम चम्मच की सहायता से पूरा पानी ऐसे मिक्स करके पूरा निकल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना दरदरा सा आया है, आप इसको निकाल भी सकते हो, ऑप्शन है। तो देखिए मैंने पूरा दरदरापन निकाल लिया है, अभी एकदम पानी स्मूथ हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे बूंदी, नमकीन वाला बूंदी लिया है मैंने, इसमें डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और आप एक बार, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये घर में पानी पूरी बनाने का अलग ही स्टाइल होता है, अलग ही, और मन भी पूरा शांत होता है। और ये इमली है, इसका इमली लिया है मैंने, इमली का जूस। ये मैंने पहले पानी में भिगो दिया था एक घंटे पहले, इसका मैंने पूरा निकाल लिया, अभी इसमें डाल देंगे। आप नींबू भी डाल सकते हो, मुझे इमली का जूस अच्छा लगता है तो मैंने ये डाला है। इसका भी बहुत अलग से टेस्ट आता है, नींबू का भी आप डाल सकते हो, इसमें कोई परहेज नहीं है। अभी हम इसमें आइस डालेंगे और हमारा ठंडा पानी बन के एकदम पानी पूरी का तीखा वाला पानी बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखने में ही मुँह में पानी आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये पानी पूरी सबको पसंद होता है। अभी मैं आपको पूरा से चम्मच से हिला देंगे, आपको पानी पूरी भर के दिखाती हूँ। अभी हमने लिया पूरी, लिया इसमें मसाला भर के, ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारा पानी बन के रेडी हुआ है, बहुत ही तीखे वाला, बहुत ही चटपटा। इनको देख के मुँह में पानी आ रहा है, तो प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी पूरी का तीखा वाला पानी रेडी हो चुका है। और एक बात और फ्रेंड्स, इसको आप अगर आपके पेट में गैस है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।